साल 2011, लटोया नाम की माँ अपने एक बच्चे को, जिसकी उम्र करीब 9 साल थी, हॉस्पिटल में लेकर आती है। वो काफी घबराई हुई थी क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि उसके बच्चे के ऊपर किसी आत्मा ने कब्जा कर लिया है, उस बच्चे के अंदर कोई डीमन है। हॉस्पिटल वाले उस बच्चे के अजीब बिहेवियर की जाँच करते हैं और पुलिस को बुलाने का फैसला लेते हैं। लेकिन पुलिस के आने से पहले ही होती है एक ऐसी घटना जिसे देख कर उस बच्चे की माँ और पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बच्चा दीवार पर उल्टा चलने लगता है और थोड़ी ही देर बाद वो छत पर उल्टा लटक जाता है, जैसे कि कोई शैतान उसके अंदर आ गया हो। साथ में ही लटोया का एक छोटा बेटा भी था जिसकी उम्र करीब 7 साल थी। वो अजीब अजीब सी बातें कर रहा था ऐसी लैंग्वेजेस में जो उसने कभी सीखी ही नहीं थी। उसे केवल अंग्रेजी आती थी और वो दुनिया भर की भाषाओं में अजीब अजीब सी डरावनी आवाजें निकाल रहा था। जब पुलिस आती है तो पूरे हॉस्पिटल के स्टाफ का बयान लिया जाता है। पुलिस को खुद यकीन नहीं होता कि ऐसी कोई घटना घट सकती है, लेकिन जब इतने सारे गवाह मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से ऐसी घटना होते हुए देखी थी, तो पुलिस को भी मजबूरन यकीन करना पड़ता है। लेकिन ये घटना यहाँ से शुरू नहीं हुई थी और ना ही ये यहाँ पर खत्म हुई। ये है दुनिया की सबसे डरावनी घटना, एक ऐसे घर की घटना जहाँ पर 200 आत्माओं का कब्जा था। जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आप भी सोच में पड़ जाओगे कि क्या वाकई में इस दुनिया में हमारे आसपास भूत, पिशाच और आत्माएं होती हैं, और ये कोई मनगढ़ंत घटना नहीं है। आप जब इसके बारे में गूगल पर सर्च करोगे तो आपको इसकी पूरी वैलिड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आखिर लटोया फैमिली के साथ क्या हुआ, कौन थे वो 200 भूत, क्या थी उस भूतिया घर की पूरी कहानी, जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना। तो स्वागत है आप सबका भूतों के संसार में। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का फाड़ू वीडियो। नवंबर 2011 में लटोया एमोंस अपनी माँ के साथ, जिसका नाम था रोज कैम्पबेल, और 3 बच्चों के साथ जिनकी उम्र थी 7, 9 और 12 वर्ष के साथ 3807 कैरोलिना स्ट्रीट पर एक घर किराए से लेती हैं। शुरुआत में तो सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन अगले महीने दिसंबर में हुई एक अजीबोगरीब घटना। उनके घर पर काली मक्खियों के झुंड ने हमला कर दिया। काली मक्खियां सर्दियों के मौसम में गायब हो जाती हैं क्योंकि वो एक गर्म जगह की तलाश में रहती हैं। वो आबादी वाले इलाकों में नहीं आती, खासकर एक बड़ी संख्या में। लेकिन लटोया के घर पर हमला हुआ मक्खियों का। अब आप बोलोगे, भाई मक्खियों का हमला था, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरने वाली बात अब आगे आएगी। लटोया को उसके घर के तहखाने में, बीच में वीडियो को रोकता हूँ, बोलता हूँ यार लोग ये तहखाने वाले घर किराए पे लेते ही क्यों हैं? मतलब सीरियसली, अगर घर में तहखाना है तो समझ लो भाई आपके घर में कुछ ना कुछ लफड़ा होगा। अब वीडियो पर कंटिन्यू करते हैं। तो लटोया को अपने घर के तहखाने की सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाजें आती थी। कभी कभी रात के समय उस तहखाने से किसी के रोने की आवाज आती थी। तो इन सारी घटनाओं से परेशान होकर लटोया ने घर बदलने का फैसला नहीं किया, क्योंकि अगर वो घर बदल लेगी तो भूतिया घटना कैसे घटेगी? देखो, बेसिकली उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। उन्होंने बड़ी मुश्किल से ये घर किराए पे लिया था, तो इतनी जल्दी वो शिफ्ट नहीं कर सकते थे। तो तहखाने में आने वाली आवाजों से परेशान होकर उन्होंने तहखाने का दरवाजा ही बंद कर दिया, पूरी तरीके से सील कर दिया कि अगर यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ है तो वो तहखाने से बाहर ना आए। लेकिन ये बात तो आप और मैं अच्छे से जानते हैं कि भैया दरवाजे बंद करने से आने वाली मुसीबत नहीं रुकती। धीरे धीरे शैतानी शक्तियों का असर उस घर में इस कदर बढ़ गया कि लटोया और उसके फैमिली मेंबर्स का रात में दम घुटने लगता था। कभी कभी उसके बच्चे अजीब अजीब आवाजें निकालने लगते थे, बहुत ही वियर्ड सा बिहेव करते थे। एक बार उनके छोटे बच्चे की आंखों की पूरी पुतलियां पलट गई, मतलब जो व्हाइट वाला पार्ट था केवल वो दिख रहा था, एंड इट वॉज सो स्कैरी। और वो एक अजीब सी आवाज निकाल कर बोल रहा था कि अब तुम सब मरने वाले हो। और आप सोचो कि किसी के घर में अगर ये सब हो रहा हो तो फिर उसको रात में नींद कैसे आएगी? रात के करीब 2 बजे थे, ये सब लोग जाग रहे थे और हुई एक ऐसी घटना जिसने इन सबके होश ही उड़ा दिए। लटोया का जो बच्चा था छोटा वाला, वो बिस्तर पर सो रहा था अपने दोस्त के साथ, और वो बच्चा हवा में लेविटेट करने लगा। मतलब लेटे लेटे उसकी नींद लग गई थी, बट वो हवा में उड़ रहा था। और उसके बाद जब उसकी नींद खुली तो उसे कुछ भी याद नहीं था। जब वो हवा में लेविटेट कर रहा था तो लटोया और उसकी फैमिली ने ये नजारा अपनी आंखों से देखा। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि अगर कोई शैतान है भी तो वो यहाँ से चला जाए। और इस घटना के बाद से उनको समझ में आ गया कि ये घर उनके लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो अब उनको क्या करना चाहिए? घर से भाग जाना चाहिए। लेकिन नहीं, लटोया गई अपने एक पास वाले चर्च के फादर के पास और उसने फादर को पूरी घटना सुनाई और उनसे रिक्वेस्ट की कि वो आकर घर में कुछ तंत्र मंत्र करें, पूजा पाठ करें, ताकि वहां से ये भूत हट जाएं। लेकिन फादर ने जो बात कही उसे सुनकर लटोया के पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मतलब वो लेविटेट नहीं करने लगी, उसकी हालत खराब हो गई। फादर ने पहले तो मना कर दिया कि भाई मैं उस घर में नहीं जाऊंगा। इसका मतलब फादर को मालूम था कि उस घर में कुछ तो गड़बड़ है दया। फिर फादर ने बताया कि उस घर में
एक दो नहीं बल्कि 200 भूत हैं। अब अगर लटोया की जगह मैं होता तो उस घर में लौटकर नहीं जाता, मतलब जाता केवल अपने फैमिली मेंबर्स को बाहर निकालने के लिए, और उसके बाद उस जगह से मैं 9-2-11 हो जाता। लेकिन लटोया काफी हिम्मत वाली थी, वो घर वापस भी गई और अंदर भी गई, और उसके बाद उसके बच्चे को एक अजीब सा अटैक आया जिसके बाद उस बच्चे को हॉस्पिटल ले गए, और हुई हॉस्पिटल वाली घटना जहां पर हॉस्पिटल के स्टाफ ने बहुत सारे लोगों ने उस बच्चे को उल्टा दीवार और छत पर चलते हुए देखा। और इस घटना के बाद पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई पुलिस को। शुरुआत में तो पुलिस को लगा कि ये औरत फेमस होने के चक्कर में नाटक कर रही है, तो उन्होंने इस केस की, उस घर की और इस पूरी घटना की बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और फाइनली जब पुलिस ने ही एक्सेप्ट कर लिया कि यहाँ पर वाकई में डीमन का हाथ है, यहाँ पर जरूर कोई ऐसी पैरानॉर्मल शक्ति है जिसका मुकाबला पुलिस तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती, तो पुलिस ने फैसला किया एक बहुत ही पावरफुल पादरी को बुलाने का। पादरी मिंटू से फादर, इनका नाम था माइकल मैगिनॉट। अप्रैल 2012 में इन्होंने घर में आकर एग्जॉर्सिज्म किया। उस 9 साल के बच्चे और बाकी परिवार के मेंबर्स के लिए उन्होंने प्रार्थना की, घर को पवित्र किया, वहां से उन शैतानी आत्माओं को हटाने के लिए वो जो कर सकते थे उन्होंने वो सब किया। और आखिर में इन सब का नतीजा ये हुआ कि वो जो फादर थे वो बहुत ज्यादा बीमार हो गए। फादर को खुद लगने लगा था कि आत्माओं से पंगा लेना उन्हें भारी पड़ गया है। उन्होंने इस बात की इन्फॉर्मेशन पुलिस को भी दी थी, लेकिन चूंकि लटोया बहुत ज्यादा गरीब थी तो वो दूसरा मकान अफोर्ड नहीं कर सकती थी, इसलिए गवर्नमेंट ने उसकी हेल्प की। पुलिस की बनाई रिपोर्ट के आधार पर लटोया को पैसे दिए गए, उसे दूसरे घर में शिफ्ट किया गया सो दैट कि वो और उसके परिवार के मेंबर्स जिंदा रह सकें। उस घर को खाली कर दिया गया, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उस घर को तोड़ने का ऑर्डर निकाल सके, क्योंकि सबको यही डर लग रहा था कि क्या पता वो 200 आत्माएं उसके पीछे पड़ जाएं। इसलिए वो घर ऐसा का ही ऐसा है। और फाइनली उस घर को खरीदा एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने, जिनका नाम था जैक बैगन्स। वो खाने वाले बैगन्स नहीं, उसका सरनेम बैगन्स था। और उन्होंने इस घर को लेकर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जिसका नाम था डीमन हाउस। और अभी हाल फिलहाल में नेटफ्लिक्स वाले भी इस टॉपिक पर एक पूरी की पूरी फिल्म बनाने वाले हैं। तो इससे पहले कि नेटफ्लिक्स वाले फिल्म बनाते, हमने वीडियो डाली, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना। वैसे तुमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही कर दी होगी, लेकिन अगर नहीं की है लाइक, इसका मतलब तुम नए बंदे हो, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं वीडियो के कंक्लूजन की तरफ। देखो, अगर मैं होता या आप में से कोई भी होता तो ऑब्वियसली सड़क पर रहना पसंद करता, लेकिन ऐसे घर के अंदर नहीं जाता। लेकिन जब मैंने इस घटना के बारे में पढ़ा तो मुझे भी विश्वास होने लगा कि वाकई में हम माने या ना माने, लेकिन ऐसी शक्तियां होती हैं। देखो, मैं अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूं, मैं केवल अपना ओपिनियन बता रहा हूं। और रियलिटी तो यह है कि जिसके साथ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं वो बिलीव करने लगता है, और जिसके साथ ऐसी घटनाएं नहीं घटती वो तब तक विश्वास नहीं करता जब तक कि वो खुद लपेटे में ना आ जाए। एनीवे, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा कि ना आप लपेटे में आओ ना ही मैं। और भैया, मेरे घर में तो कोई तहखाना भी नहीं है, और अगर आपके घर में है तो भैया उसको जल्दी से बंद कर दो। अरे मैं मजाक कर रहा था, कुछ भी बंद मत करना, इस वीडियो को भी बंद मत करना। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, उसके बाद ही बंद करना। मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में।